हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हिमांशु माइंड्स में। आज की हमारी ये पहली वीडियो है ऑटोमोबाइल के बारे में। तो ऑटोमोबाइल में कार की बाइक, तो हम स्पेशली बाइक्स के बारे में ही आपको बताएंगे। तो बाइक, फिर कौन सी बाइक आज हम आपके बाइक के बारे में बताएं। तो आज मुझे स्टार्ट करने को सबसे बढ़िया बाइक एक ही मिली, वो थी अपाची RTR 200 TVS की। तो अपाची RTR इस बार बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लॉन्च करी गई ऑटो एक्सपो में, जिससे शोरूम्स में इसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक टाइम पे तो ये बुकिंग पे ही चल रही थी और आज भी कई जगह पे ये बुकिंग पे ही मिल रही है सिर्फ। तो इस बाइक में ऐसे क्या अच्छे फीचर हैं और क्या बुरे फीचर्स हैं, तो पहले हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं आपसे। तो ये 5 गियर्स के साथ आती है और 8 कलर्स के साथ आती है। और जब तक जहाँ तक इसकी बात करें, इसमें बहुत ही बढ़िया इंजन है 200 सीसी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। इसमें आपको ABS मिल जाता है दोनों ही ड्राइव व्हील्स में, फ्रंट हो या मेन हो। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, ABS से आपकी बाइक फिसलेगी नहीं, कहीं गिरोगे नहीं, तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, सेफ़ चलेगी गाड़ी। तो ABS इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ABS के ऊपर ज़रूर नज़र डालें इसकी, क्योंकि ABS हर बाइक में होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिसकी भी CC 150 CC से अबव हो, तो ये बाइक में आपको ABS भी मिल रहा है, वो भी दोनों व्हील्स में ABS मिल जाएगा आपको। उसके अलावा अलॉय के इसके दोनों व्हील्स हैं। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इसका बहुत ही अमेजिंग है, जो उसके कलर्स के साथ मैचअप परफेक्टली करता है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंजन और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसमें डुअल शॉक है। तो डुअल शॉक एक ऐसा सस्पेंशन होता है जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है उसके सस्पेंशन में। और अगर जब भी आप ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रस्तों पे जाएं, तो डुअल शॉक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो डुअल शॉक अगर आप कभी लंबे ट्रिप पे जाएं, तो डुअल शॉक अगर ख़राब भी हो जाए तो आप उस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डुअल शॉक में आपके दो शॉकर्स होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। तो उसमें से अगर एक भी ख़राब हो जाए तो आप कम से कम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो गैराज तक ही पहुंच सकते हैं और रिपेयर करा के आगे जा सकते हैं। लेकिन मोनो शॉक में आपको कभी कभार दिक्कत आ जाती है, तो मोनो शॉक वाली बाइक से थोड़ा बचे, क्योंकि अगर आप लंबी ट्रिप पे जाते हैं तो अगर आप सिटीज़ वगैरह में ही चलाते हैं तो मोनो शॉक बेटर है आपके लिए। लेकिन अगर हाईवेज़ पे चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मोनो शॉक भी है वैसे इसी अपाची RTR में आपको एक और वेरिएंट भी मिलता है जिसमें मोनो शॉक भी मिलता है, वो सिटीज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट रेंट होता है। क्योंकि जब मोनो शॉक की बात आती है तो मोनो शॉक में भी बहुत ही बढ़िया एक चीज़ होती है, वो है आपको कंट्रोल करने का बहुत ही मदद करता है। जब आप बाइक को बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चला रहे हो, आपने भी कभी कभार देखा होगा कि कोई अपाची में आपके बगल में से बहुत ही तेज़ी से निकल के चले जाती हैं, तो उनकी और वो कंट्रोल भी बहुत ही बढ़िया तेज़ी से कर रहे होते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास अपाची RTR 200 होती है और उसके अलावा उसमें मोनो शॉक भी होता है। और डुअल शॉक में भी आपको हाँ बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी मिल जाती है, और जब आप इसकी मैक्स स्पीड पर भी चले जाते हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि कई गाड़ियाँ जो होती है 200 सीसी तो होती है, जैसे कि आपकी पल्सर ही हो गई। पल्सर क्या करती है, जब बहुत ही अपनी मैक्स स्पीड पर चल जाती है तो वाइब्रेट करने लग जाती है, जिससे जो चलाने वाला होता है वो डर जाता है कभी कभार। लेकिन ये चीज़ कभी भी आपको RTR में नहीं मिलेगी आपकी। तो आपकी अपाची RTR स्टेबिलिटी के मामले में, स्पीड के मामले में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। हाँ, ये कोई स्टंटिंग बाइक नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें इंजन जो है स्टेबिलिटी के हिसाब से ही बनाया गया है आपका, और कंट्रोल भी बहुत ही बढ़िया होता है। हाँ, वैसे आप स्टंट करने वाले हो तो ले सकते हैं, हो सकते हैं इससे स्टंट वगैरह भी। सो आइए,
सेक्शन में कमेंट करें, और जैसा कि आपको हमने बताया था कि इसके बारे में हम अच्छाई और बुराई दोनों बताएंगे। तो इसकी अच्छाई तो हमने कर दी, इसमें एक बुरी चीज़ भी है। तो बुरी चीज़ क्या है? इसमें एक कार्बोरेटर सिस्टम आता है। कार्बोरेटर सिस्टम बहुत ही एक तो पुराना सिस्टम है, सस्ता है लेकिन पुराना है। अब आते हैं सारी बाइकों में, हम जितनी भी नई बाइक आ रही हैं और 200cc की बाइक है यार, कुछ तो सोचो कि 200cc की बाइक में कार्बोरेटर सिस्टम कौन देता है? फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देना चाहिए। फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम होता है बहुत ही बढ़िया सिस्टम होता है, वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है फ्यूल का रेशियो और एयर का रेशियो जो होता है, खुद ही मिक्स कर लेता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट करता है। इससे आपकी माइलेज भी बढ़िया रहती है बाइक की और चलते वक्त बेहतरीन चलती है, आपके इंजन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। इसके वजह से ही आपके इंजन की लॉन्ग लाइफ हो जाती है कई बार। तो जब भी बाइक ले तो एक चीज़ ज़रूर देखें कि उसमें कार्बोरेटर ना ही हो। 200cc की बाइक में कोई भी कार्बोरेटर नहीं देना चाहिए। आने वाले टाइम में मेरे को लगता है जब भी RTR का नया मॉडल आएगा उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दे देंगे ये, ताकि कोई भी बाइक इनकी जो है कार्बोरेटर के साथ ना दे। भाई 200cc की बाइक है, कुछ तो सोचो। और अगर हमारी जो ये हिमांशु माइंड्स है ये स्पेशली आपको बाइक्स के बारे में बताएगा, तो अगर आपको कार के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कौन सी मिनी SUV होती है, कौन सी हैचबैक होती है, कौन सी सेडान होती है, क्या होता है, कौन सी कार लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, कौन सी कार में कौन से बेस्ट है, तो आप हमारे दोस्त के एक और चैनल है जिसमें 321 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्लास, तो उस में जाके एक बार आप सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कार के बारे में समझा पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सेफ रहें, बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट ज़रूर लगाएं जब आप टू व्हीलर चला रहे हों। तो